हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और जो हर घर में बनाया जाता है लेकिन कभी शुभ मुहूर्त पे ही बनाते हैं, तो 15 अगस्त आने वाला है तो इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कुछ मीठा बनाते हैं हम लोग, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ नहीं ली है, बस सूजी है ये, और थोड़ा सा ये काजू और नारियल मैंने कट करके चाकू से ही करे हैं, मैंने क्रश नहीं करे हैं, बस इसी से बनाऊंगी मैं आज सिंपल हलवा। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं घी डाल दूंगी, और घी ये घर का ही है, घी डाल देंगे, घी को गर्म होने देंगे और ऐसे पकड़ के चारों तरफ लगा देंगे इसके घी को। बस घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं सूजी डाल दूंगी। घी गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सूजी को घी के साथ में अच्छे से भूनेंगे इसको, और इसको 5-6 मिनट तक ऐसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि सूजी नीचे ना लगे। और गैस की आंच थोड़ा कम कर देनी है, इसको मीडियम आंच में ही इसको पकाना है सूजी को। और आप दूध से भी सूजी का हलवा बना सकते हो, वो मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। देखो मैं इसको लगातार चला रही हूँ, इसको बीच में रुकना नहीं है वरना ही नीचे जल जाएगा। सूजी का जो मैं हलवा बना रही हूँ उसमें डालने के लिए मैंने गर्म पानी भी रख दिया है पतीले में, और ठंडा पानी नहीं डालते तो गर्म पानी मैंने रख दिया है, इसी को डालूंगी मैं हलवे में। अब मुझे सूजी में घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने हल्का सा और घी डाल दी थी इसमें। अब इसको भूनते रहना है, मेरे को 5 मिनट हो गए हैं मैं इसको लगातार भून रही हूँ क्योंकि नीचे लग जाता है। और हलवा मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मीठा कम ही खाते हैं। और जो मैंने सूजी है ये अच्छे से भुन गई है, ये देखो ये अच्छे से ब्राउन हो गई है, डार्क ब्राउन हो गया देखो। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, और चीनी आप अपने हिसाब से डाल देना कम ज़्यादा जितना आप मीठा खाते हो। मैंने इसमें चीनी डाल दी है, अब चीनी को भी मिक्स कर देंगे हम सूजी के साथ में। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है चीनी को सूजी के साथ में। हमने इसमें पानी डाल देती है, और पानी बड़े ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि छींटे आते हैं, और पानी ये गर्म करके ही डालना है। मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये पतला लग रहा है ये घोल, लेकिन अभी ये गाढ़ा हो जाएगा, बस इसको लगातार चलाते रहना है 2-3 मिनट तक, ऐसे ये अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा। ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें बाद में डालूंगी। जो मैं ये सूजी का हलवा बना रही हूँ ये देखो, अभी ये पतला हो रखा था, धीरे धीरे ये और गाढ़ा होता जाएगा, और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे हलवे को, जो मैं ये सूजी का हलवा बना रही हूँ। अब मैंने ये हलवा 4-5 मिनट तक लगातार चला दिया है, तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट को भी मिक्स कर देंगे हम सूजी के हलवे के साथ में। आप चाहे तो इसमें कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, मैंने कट करके डाले हैं। 2-3 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे हम, खुले में ही चलाना है, मैंने इसको ढक्कन नहीं रखा मैंने इसके ऊपर। और आप हलवे में पानी अपने हिसाब से डाल देना, मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था इसमें, थोड़ा मेरे को गाढ़ा लग रहा था ये जो मैंने हलवा बनाया, तो मैंने हल्का सा पानी और डाला है। अब इसको मैं खुले में ही थड़कने दूंगी इसको, बस 1-2 मिनट और थड़कने देंगे इसको, बस फिर पक जाएगा। मैं ऊपर से भी 1 चम्मच घी और डाल देती इसमें, बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। और मिक्स कर देंगे हलवे को। और मैंने ये घर में ही बनाया है, मलाई से, फ्रेश मलाई से बनाया मैंने घी। और जो घी बनाया मैंने ये घर पे ही बनाया है। अब मैं मलाई जमाती हूँ, मैं थोड़ा सा मलाई भी डाल देती हूँ हलवे में, इससे और ज्यादा स्वाद आ जाएगा। ज्यादा नहीं डालना है, कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें घी भी डाल रखा है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे मलाई को हलवे के साथ में। इसको 2-3 मिनट ऐसे ही चलाना है लगातार, और हलवे से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करना, बहुत सिंपल डिश है। और वैसे भी 15 अगस्त आ रहे हैं, जरूर बनाना चाहिए मीठी चीज। हलवा मेरा बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। और देखो नीचे भी नहीं चिपटा है इसको, इस क्योंकि मैंने इसको लगातार चलाया है, तो ये देखो बिल्कुल नीचे भी नहीं चिपटा है।
और जो मैंने ये सूजी का हलवा बनाया था ये बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है। और अगर आपको ये सूजी के हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।